हमें पता है अभी जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जिसको हमने ई कहा है, ये जनरेट होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, वी जनरेट होता है या इसे वी भी कहा जाता है कुछ जगह पर, दिस वी इज वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ई नॉट या वी एम की वैल्यू रहेगी। एन बी ए ओमेगा। सो ये ईएमएफ जो है ये वैरी होने वाला है प्लस माइनस ई नॉट के बीच में। फिर हमने देखा था इस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग जो करंट रहेगा, दैट विल बी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस विच इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। अपॉन रेजिस्टेंस और ये आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वेयर आई नॉट की वैल्यू क्या रहने वाली है, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। और फिर कहा था बोथ करंट एंड वोल्टेज अप्रोचेस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली। ठीक है, दैट मीन्स करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। और फिर कहा था द एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज और जिसको कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन ओवर अ साइकिल इज जीरो। ठीक है, जिसको आप ऐसे कहोगे ओवर अ साइकिल मीन वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज जीरो। इसलिए मीन वैल्यू ऑफ करंट या मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल डेफिनेटली बी जीरो। पर फिर इंटरेस्टिंग पार्ट देखा था, क्या देखा था उसमें, पावर कंजम्पशन हमारा आता है आई स्क्वेयर आर, या इसको ही आप लिख सकते हो आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू आर। और फिर अब हमने कहा आई नॉट तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, सो एवरेज पावर कंजम्पशन ओवर अ साइकिल इज आई नॉट स्क्वेयर आर इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का एवरेज। और हमें पता है अब एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी ओवर अ साइकिल इज हाफ। सो आप कहते हो पी एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन टू। क्या याद है क्या इतना पार्ट, बोलो। इतना पार्ट हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अब इसके आगे जाते हैं।
एक्चुअली इसके आगे एक चीज भी कही थी, पी एवरेज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन टू, इसमें से आई नॉट आर को ई लिखा था, ई नॉट अपॉन आई नॉट अपॉन टू, और फिर कहा था ई नॉट अपॉन रूट टू इन टू आई नॉट अपॉन रूट टू, और इसको कहा ई आर एम एस इन टू आई आर एम एस। Our corresponding values in DC circuit for same power consumption. ये है हमारा ठीक है, वेयर आई नॉट इक्वल टू, सॉरी आई इक्वल टू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इतना पार्ट सबको ध्यान में आया है क्या बताओ? अगर इतना पार्ट ध्यान में आया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान में रखना, जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है, फॉर अवर डोमेस्टिक सप्लाई टू 220 volt इज RMS value where V naught, that is peak value, will be root 2 times of V RMS, that is 1.41 into 220, ये answer आएगा 311 volt. So, हमारे घर में जो सप्लाई आता है 220 वोल्ट का, वो एक्चुअली वेरिंग सप्लाई है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 311 वोल्ट। क्या सही है? 311 वोल्ट। 220 वोल्ट ये जो वैल्यू हम बताते हैं दैट इज आरएमएस वैल्यू। क्या सही है? क्या
अब देखो, अगर ये क्लियर है तो हम आगे जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट रोटेटिंग वेक्टर्स, दैट इज फेजर्स. क्या होता है सर ये फेजर? सो डिफाइन करते हैं फेजर को. फेजर इज अ वेक्टर. जस्ट टेक मिनट. सो हमने कहा अ फेजर इज अ वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट ओरिजिन विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो देखो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है. इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसा है, अगर ये हमारा कोई सर्कल है, ये हमारा फेजर होगा. इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आर, ठीक है, और इसकी एंगुलर स्पीड रहेगी ओमेगा. अब देखो इन टाइम टी इसने एंगल कवर किया होगा ओमेगा टी. अगर ऐसा है तो इंटरेस्टिंग पार्ट अभी ये होने वाला है. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोजेक्ट addition of these two vectors, that is this will be projection of r vector on x axis and y axis. So aap isko likhoge, this is r sin omega t. And r cos omega t. और अब देखो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये प्रोजेक्शन वेरी होने वाला है. सो इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, तो देखो आर या वेक्टर अगर रोटेट हो रहा है, सो अभी देखो जब ये यहां पर है इसके वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन जीरो है. वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, मैक्सिमम वैल्यू पर गया, फिर से ये कम होते गया कम होते गया कम होते गया, जीरो हो गया. इस पूरे पार्ट में ये वाई एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है इट वॉज पॉजिटिव. सो ये फेजर जो रोटेटिंग वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ये हमारा करंट या वोल्टेज जैसा है क्या? क्योंकि हमारा करंट एंड वोल्टेज वी कैन रिप्रेज जो हमने आई साइन ओमेगा टी
आई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया था, एंड ईएमएफ या वोल्टेज यह हमारा हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया है. दीज आर वेरी सिमिलर टू. सो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इस रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू फेजर के थ्रू अगर करंट एंड वोल्टेज देते हैं तो हमें आराम से करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट मिल जाएगी. एक चीज ध्यान में रखनी है, दो आवर्स वेक्टर करंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज, बट इन एसी एज दे आर वेरिंग उनकी वैल्यूज एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड या कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड यूजिंग फेजर्स. क्या सही है क्या? ठीक है, सो हम लिखते हैं एज करंट एंड ईएमएफ प्रोजेक्शन ऑफ ई नॉट या आई नॉट एंड ई नॉट फेजर. ई नॉट फेजर मतलब क्या, तो अगर ये आर के जगह हमने ई नॉट दिया, इस फेजर का प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस. That is I naught sin omega t and E naught sin omega t will represent instantaneous value of करंट एंड ईएमएफ इन सर्किट. इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ एंड करंट both are scalar quantities. AC में ये varying है and phasor के through उन्हें represent करना आसान है, convenient है, इसलिए हम phasor के जैसा उनको represent करते हैं. They are not rotating vectors. ध्यान में रखना, they are not rotating vector, they are scalar quantities. बट उनका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान है, समझना आसान है, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ फेजर्स. क्या सही है? सो इन टिपिकल एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली, विथ रेजिस्टेंस ओनली हम हमारे करंट एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से. यह हो गया मेरा वोल्टेज, यह हो जाएगा मेरा करंट. और हम इसे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
और यही करंट को प्लॉट करना होगा, तो करंट इस प्रकार से आएगा, सो देखो दे आर इन फेज मतलब पीक वैल्यूज साइमल्टेनियसली एंड मीन वैल्यूज साइमल्टेनियसली, और ये इस प्रकार से वैरी होते रहेंगे. सो ये ग्राफ रहेगा हमारा आई विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये ग्राफ रहेगा हमारा ई विच इज ई नॉट साइन ओमेगा टी. आई क्या बात ध्यान में, ये ग्राफ कैसे कैसे आ रहे हैं, तो देखो ये ओमेगा टी इंस्टेंट की कंडीशन है, उसके बाद ये हमारा कोई तो टाइम आ जाएगा, ठीक है, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई, दिस इज टी बाय टू, एंड सो ऑन. क्या सही है सर, आपने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. सो ये टाइम आ जाएगा हमारा, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी. क्या सही है, ये एंगल है से एक्चुअली टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ये टी इंस्टेंट की कंडीशन है एक्चुअली, ओमेगा टी तो एंगल हो जाएगा, ठीक है. सो इस प्रकार से फेजर के थ्रू आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. सर ये पॉइंट कौन सा है, जब ये फेजर रोटेट होकर यहां पर पहुंच गया. सर ये पॉइंट कौन सा है, और कुछ समय के बाद जब आधी साइकिल कंप्लीट हो गई ये पॉइंट यहां पर पहुंच गया. सो इस प्रकार से हमारा फेजर रोटेट होते जाएगा, हमें ग्राफ मिलते जाएंगे. इज इट क्लियर. सो अब देखो हमने अभी तक क्या देखा, सर ऐसे डायग्राम क्यों निकाली, क्योंकि हमने कहा है इन एसी सर्किट With resistance only, देखो एक चीज पक्की है, हमारा EMF जनरेट करने वाला है जनरेटर, जनरेटर में जो EMF जनरेट होने वाला है वो EMF रहेगा E not sin omega t, ठीक है. अब करंट क्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा वो सर्किट कैसा है, क्योंकि हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, या कैपेसिटर भी हो सकता है. सो ऐसा सर्किट जहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस है, करंट रहेगा E by R, और ये वैल्यू आ जाएगी E not sin omega t upon R, जिसको आपने कहा है ये वैल्यू हमारे पीक करंट की रहेगी I not sin omega t. और अब हम कह रहे हमारा करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हमें दिख रहे हैं. अगर कोई सर्किट बदलता है, जैसे नेक्स्ट सर्किट देखने वाले हैं हम, तो वहां पर वैल्यूज अलग रहेगी. सो अभी अप्लाई करेंगे एसी पोटेंशियल डिफरेंस टू अवर इंडक्टर. एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, क्या होगा, यहाँ पर एक इंडक्टर है हमारा. इंडक्टर मतलब क्या है, इट इज बेसिकली अ कॉइल, और इसको हमने एसी वोल्टेज दे दिया.
ठीक है, ये एल इंडक्टर है, ये हमारा ईएमएफ है। क्या सही है? क्या कंसीडर किया है हमने? हमने एक इंडक्टर कॉइल कंसीडर किया है विद सम रेजिस्टेंस, सॉरी विदाउट एनी रेजिस्टेंस, आइडियल है ये, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये आइडियल होने के कारण अब हम सिर्फ यहां पर इंडक्टेंस है ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। और अब देखो ये सोर्स है, सोर्स के थ्रू ईएमएफ क्या रहेगा, इज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंडक्टर का काम क्या होता है सर, ये इंडक्टर जो है ना, इसके अक्रॉस का अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ये उस फ्लक्स चेंज को रेजिस्ट करने वाला या नलीफाई करने वाला सेल्फ ईएमएफ जनरेट करता है, और ये उसको वो जो करंट ईएमएफ चेंज हुआ, ईएमएफ चेंज होने से करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स चेंज होगा, तो वो फ्लक्स चेंज को इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसके कारण फ्लो होने वाला करंट अपोज करता है। हाँ सर, ध्यान में आ गया, इंडक्टर हमने इसके पहले देखा है। सो बेसिकली क्या होगा, व्हेन एवर सोर्स ईएमएफ इज चेंजिंग, इंडक्टर अपने अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोसेस के थ्रू। सो वो ईएमएफ हमें पता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो अगर यहां पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं किरचॉफ लॉ क्या कहता है, एक किसी भी सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहता है, जिस इस पॉइंट से अगर मैंने स्टार्ट किया वापस इसी पॉइंट पर आया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का है वही यहाँ का रहने वाला है, तो उसका डिफरेंस जीरो। सो देख लो ये कितना आएगा, पहला ईएमएफ ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो यहां से देखो, यहां से हमें मिल जाएगा, इसको राइट में लेकर के पॉजिटिव हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाय एल। क्या सही है? और ई बाय एल की वैल्यू अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। सो यहां से मुझे मिलेगा डी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या सही है क्या?
हाँ सर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। डीआई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल डी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। सो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल, तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, सॉरी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा। सो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, सही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हम बात करेंगे, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी। सो देखो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, करंट की ओवर अ साइकिल वैल्यू क्या रहती है, जीरो, ठीक है। सो ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू तो वैरी होने वाली नहीं है। सो करंट जीरो होने के लिए कॉस ओमेगा टी जब जीरो हो जाएगा तब इसकी वैल्यू भी तो जीरो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू, ये करंट जीरो होने के लिए इसको कभी ना कभी तो इसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी ये प्लस वन टू माइनस वन के बीच में वैरी होगा। सो इसकी वैल्यू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस एंड प्लस के बीच में वैरी होने वाली है, ठीक है। सो देखो वही पार्ट लिखते हैं, द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट एंड विथ डायमेंशंस ऑफ करंट, विद डायमेंशंस ऑफ करंट। विद डायमेंशंस ऑफ करंट, ठीक है, एंड सिंस सोर्स ईएमएफ वेरीज अराउंड मीन वैल्यू ऑफ जीरो, आई शुड ऑल्सो वेरी अबाउट जीरो एंड सी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। सो हमारा करंट हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, साइन है माइनस, ठीक है। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं आई नॉट इक्वल टू, सॉरी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू ऐसा लिख सकता हूं। सर ऐसा कैसे लिखा, देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और साइन ऑफ माइनस थीटा आता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। सो
कॉस ओमेगा टी को लिखा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन तो ऐसा ही है, सो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू, क्या सही है? देखो स्टेप वन, कॉस ओमेगा टी को लिखा, साइन 90 माइनस थीटा, और फिर ये जो माइनस साइन है इसको अंदर लेकर गए, सो साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस उल्टा लिखो लगे तो इसको, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, सो कॉस ओमेगा टी को हमने लिखा साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, एंड फिर जो बाहर का माइनस है वो अंदर चला गया, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू माइनस हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, क्या सही है? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ तो इसके ब्रैकेट में डाल देते हैं, और अब हम कह रहे हैं करंट इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टू ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, वेयर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, I not equal to E not upon omega L, and omega L can be considered as XL, which is called as inductive reactance. Same as, similar to, not same, similar to resistance with unit ohm, क्या सही है? So देखो, जो काम normal resistance वाले circuit में R करता है वही काम यहां पर XL करने वाला है, और I not which is peak value of current can be given by peak value upon inductive reactance of the circuit. क्या सही है क्या? अब देखो, अब interesting part है, हमारे पास शुरुआत में एक voltage का relation था, ये हमने apply किया है, और अभी जो हमें मिल रहा है दैट इज अ करंट का रिलेशन, और दोनों भी साइन में इसलिए लिखे हैं सो दैट वी कैन कंपेयर देम, सो यहां पर एंगल जो बन रहा है इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां पर जो एंगल बन रहा है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, मतलब इसको फेजर डायग्राम पर अगर रिप्रेजेंट करना होगा सो ये एंगल अगर ओमेगा टी होगा तो इसे 90 डिग्री कम, मतलब ये एंगल ऐसा रहेगा, ये अगर मेरा वी है तो ये मेरा आई रहेगा, ठीक है,
वी का प्रोजेक्शन मतलब वी का ग्राफ अगर हम निकालने चाहेंगे तो ये ग्राफ ऐसे आने वाला है कि इसके बाद पीक वैल्यू पर जाएगा, फिर मीन वैल्यू पर आएगा, फिर निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, फिर से जीरो होने वाला है, फिर से आगे जाएगा। और करंट देखो अब निगेटिव वैल्यू से जीरो के तरफ आ रहा है सेम इंस्टेंट पर। ये निगेटिव से आएगा जीरो के तरफ, जब ये पीक पर पहुंचेगा तब करंट जीरो होने वाला है, फिर जब वोल्टेज जीरो है तब करंट पीक पर जाएगा, वोल्टेज पीक पर गया तब करंट जीरो हुआ, करंट जीरो फिर वोल्टेज जब जीरो हुआ तब करंट पीक पर गया, और ये ग्राफ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। आया क्या ध्यान में? सो दिस इज ग्राफ ऑफ आवर आई विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू और ये होगा हमारा ईएमएफ विच इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसलिए हम कहते हैं इन इंडक्टर करंट लैग्स वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ पाई बाय टू। करंट ये वोल्टेज के पीछे रहेगा बाय अ फेज ऑफ पाई बाय टू, या वोल्टेज करंट के आगे रहेगा बाय अ फेज ऑफ पाई बाय टू। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। आया क्या ध्यान में? अब कंसीडर करना पड़ेगा पावर कंजम्पशन। वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई दोनों की। अब पावर कंजम्पशन रहेगा। पावर कंजम्पशन इन इंडक्टर इज आई इंटू वी। देखो ये आने वाला है आई इंटू ईएमएफ, ये आने वाला है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इंटू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या सही है? अब देखो यहां से मैं फिर से माइनस बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉमन निकाल लिया तो पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, सो आई कैन राइट दिस एज कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब देखो मैं इसको ही माइनस वन बाय टू आई नॉट इनटू ई नॉट, वन बाय टू लिखा तो यहां पर लिख सकता हूं टू टाइम्स कॉस ओमेगा टी इनटू साइन ओमेगा टी। टू साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या आता है? साइन टू थीटा। सो ये वैल्यू आ जाएगी पावर कंजम्पशन इन इंडक्टर विल बी हाफ ऑफ आई नॉट इनटू ई नॉट इनटू साइन ऑफ टू टाइम्स ओमेगा टी। अब इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता है ओवर अ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन कितनी आती है? देयरफॉर पी एवरेज ऑफ इंडक्टर या पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर ओवर अ साइकिल विल बी जीरो। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये।
प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम नहीं करने वाला है, पावर कंज्यूम नहीं करने वाला है। ये क्यों और कैसे ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।